ये पूरा का पूरा ये फोल्डिंग हो गया ना, ये पूरा फोल्डिंग होने से ये 13 इंच दूरी जो बनती है ये कम होगी, ताकि संकड़े रास्तों के अंदर ये आसानी से चला जाएगा। भाइयों विश्वकर्मा दरबार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज मैं पहुंचा हूं NVT थ्रेशर एलनाबाद सरसा हरियाणा में, और हमारे साथ हैं NVT के ओनर मक्खन सिंह जी, उनसे बात करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम का NVT कंपनी में पहुंचने पर। और हम तो तकरीबन 2 साल से आपका वेट ही कर रहे थे कि आप जितना जल्दी हमारे पास पहुंचे। चलो आज हमारा सौभाग्य है, आज आप और आप अपने पूरे स्टाफ के साथ NVT कंपनी में पहुंचे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अपने किसान भाइयों के लिए क्या लेकर आए हैं? ये NVT थ्रेसर, NVT मल्टीक्रॉप थ्रेसर सेट टोकरी, जिसमें मूंगफली, सोयाबीन, मटर ये अन्य फसलें निकालता है। अलग अलग ड्रम जाल चेंज करके किसान भाई अलग अलग फसलें इसमें निकाल सकते हैं। सर सबसे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, अभी ऐसा क्या है NVT में भी किसान इसकी बहुत डिमांड करते हैं? सर देखो ये सवाल कहने और करने का नहीं है, ग्राहक की संतुष्टि हमारा लक्ष्य है। और इसके अंदर ये मान के चलो कि अगर थ्रेसर के ऊपर अगर हाथ रखते हैं ना, जैसे हमारा हार्ट मतलब वाइब्रेट करता है वैसे थ्रेसर हमारे साथ करता है। अब इससे ज़्यादा मैं आपको थ्रेसर के बारे में क्या कहूँ। सर सबसे पहले मैं इसके जानना चाहूँगा भी इससे, जैसे मैं ये देख रहा हूँ ये क्या सिस्टम दिया गया, इसमें बैरिंग डबल डबल दे रखे हैं? ये सर झारने की चाल है, इसके अंदर 9 नंबर के बैरिंग है और 2 इंची मोटी शापट लगी हुई है। ये कहीं भी आपको 2 इंची और 9 नंबर के जो बैरिंग ये नहीं मिलेंगे, हैवी पुली लगी हुई है। और ताकि ये अगर इसमें कोई सेटिंग अपसेट हो जाए तो आम किसान इसकी सेटिंग नहीं कर सकता, लेकिन इसकी सेटिंग लाइफ टाइम है, किसी को छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हमने ये हैवी शापट लगाई हुई इसके अंदर। और सर इसमें कितने व्हील मिलने वाले हैं? डबल व्हील है सर इसके अंदर, एक आगे का व्हील और एक पीछे का व्हील, डबल फैन और डबल व्हील का ये ग्राउंड नेट मल्टीक्रॉप थ्रेशर है हमारा। और ये क्या दिया गया सर इसमें? सर ये एयर फैन दिया हुआ है, ताकि अगर मूंगफली के अंदर मिट्टी वगैरह आती है तो इससे हवा कम ज़्यादा करके मूंगफली जो है आगे गिर जाएगी, मिट्टी परली साइड में बिल्कुल नज़दीक है वो गिर जाएगी, इसलिए यहाँ पर मिट्टी आती है वहाँ पर एयर फैन डबल फैन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। और सर जी टोकरी दी गई है इसके बारे में जानकारी देंगे सर? ये सर टोकरी है, इसको मैं फोल्डिंग करके पहले दूसरी तरफ का आपको बता दूं, ये टोकरी इतनी देर में नीचे करवा लेंगे, आप इस साइड में आओ जरा मैं बताता हूं आपको। ये देखो इसके अंदर एक मेन चीज और भी देखने वाली है, NVT थ्रेसर ग्राउंडनेट जो मल्टीक्रॉप का जो थ्रेसर है, इसके अंदर हमने बैरिंग का जो सेंटर शापट लंबी करके बैरिंग का सेंटर लंबा कर दिया, ताकि पिछली बेल्ट जो है ना इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल ऊपर वाली पुली के साथ में बिल्कुल सीधी रहे और पिछला जो बैरिंग टूटने की शिकायत आई ना। और नहीं तो पहले क्या था, ये इसकी सीट अंदर से वो 14 इंची सेंटर था, पीछे से वो पुली टेढ़ी हो जाया करती थी, बेल्टें उल्टी हो जाती थी और उल्टी होने की वजह से बेल्टें खराब हुआ करती, लेकिन अब ऐसा नहीं है इसके अंदर। और ये हमारे 2022 के मॉडल का ये हमने निकाला है। अगर बेल्ट वगैरह चेंज करनी हो सर कैसे कर सकते हैं? बेल्ट वाले तो सर कोई दिक्कत नहीं है, ये घोड़ी के 2 नट खोलो, घोड़ी ऐसे झटके से बाहर आ जाएगी और ये स्कंजे से बेल्ट बाहर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हमने अपने YouTube चैनल के ऊपर जो थ्रेसर की सेटिंग कैसे करनी है वो पूरी की पूरी जानकारी हमने बड़े विस्तार से किसान भाइयों को बताई हुई है। ठीक है सर। और इसके एलिवेटर के बारे में जानकारी सर? एलिवेटर के अंदर ये है सर, अपने एलिवेटर के अंदर 8 इंची कटोरी लगी है और 2 mm की चादर की कटोरी बनी हुई है, कटोरी टूटने की किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। और कटोरी की जो सेटिंग इस ढंग से बनी हुई है, उसकी गहराई ऐसी है कि बहुत ज़्यादा मूंगफली इसके अंदर आकर के और एलिवेटर इसको उठा लेता है। ठीक है सर। और सर एक मैं ये देख रहा हूँ ये एयर फैन को उस साइड दिया हुआ था, और ये क्या है? ये क्या है, मूंगफली में तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ये वो उधर से वो फिल्टर है, ये एयर फैन है। एयर फैन का काम जब चना निकालने हैं, सोयाबीन निकालने हैं, थोड़ी बहुत कंपी या फंकी आती है तो इससे हवा कम ज़्यादा करके उस कचरा को उस तरफ उड़ा देती है और जो दाना जब बिल्कुल वो साफ आता है। ठीक है सर। और इसका क्या काम रहता है सर? इसमें सर जैसे चुग्गे की मूंगफली निकालते हैं या नीचे को कचरा वगैरह बचता है, वो टोकरी में डालने की जरूरत नहीं है, किसान भाई इसमें से जो अपना बट्ठल से उठाया, छाले से उठाया, इसके अंदर डाल दिया, मूंगफली सारी फिल्टर हो जाती है इसमें। और सर इस थ्रेशर का जो ड्रम साइज रहता है वो क्या रहता है इसका? ड्रम 34 इंची का ड्रम है सर इसके अंदर, और 40 ब्लेडें लगी हुई है इसके अंदर, 20 ब्लेडें हैं और 20 सीधी हेल्पर पत्तियां जो मूंगफली को तोड़ने में, जो लांगे को तोड़ने में काम करेगी, 40 पत्ती इसके अंदर लगी हुई है और 3 सूत मोटी पत्ती लगी हुई है इसके अंदर, ताकि गिली सिली मूंगफली निकालने में भी अपने को कोई दिक्कत ना आए। और किसान भाई सर इसके साथ कौन से टायर वगैरह मिलते हैं सर? ये JK कंपनी के इसके अंदर सर टायर लगे हुए हैं। और सबसे मजे की बात जो आपको बताने जा रहा हूँ NVT थ्रेसर के अंदर, इसमें हमने क्या किया ये देखो, थ्रेसर को पिछले साल से हमने 2 फुट छोटा कर दिया,
एक फुट इस साइड के अंदर और दूसरा उस साइड के अंदर, ये देखो ये पूरा का पूरा ये फोल्डिंग हो गया ना, ये पूरा फोल्डिंग होने से ये 13 इंची दूरी जो बनती है ये कम होगी, ताकि संकड़े रास्तों के अंदर ये आसानी से चला जाएगा। ये देखो पूरा का पूरा फोल्डिंग हो गया और 13 इंची, और डोली पूरी 90 डिग्री पर हमने कर दी, वो नीचे करके आपको दिखाते हैं। और एक फुट उधर से और एक फुट इधर से, यानी 2 फुट अपना थ्रेसर जो संकड़ा हो गया, ताकि जो भीड़े रास्ते हैं, जैसे गुजरात के रास्तों की बात करें या अन्य रोड पर जब थ्रेसर चलता है गाड़ी घोड़े के साथ ना टकरा जाए, इसमें ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ का बेनिफिट है। और ताकि ये थ्रेसर चलता पलटा ना खाए, इसके लिए हमने एक्सल की चौड़ाई जो बढ़ा दी, यानी पहले जो 65 इंची का एक्सल था, अब ये 72 इंची का, यानी 6 फुट का एक्सल है। थ्रेसर को कैसे भी चलाओ थ्रेसर पलटा नहीं खाएगा। ये एक्सल की दूरी भी हमने ये मतलब बढ़ा दिया। ठीक है सर, ये हमारा नया मॉडल जो 2022 के अंदर विशेष तौर पर, पहले ये किसानों की ये बात थी कि थ्रेसर थोड़ा ये ना गिर जाता है, पलटा खा जाता है, अब ये समस्या इसमें नहीं रहेगी सर। ठीक है सर, और सर ये यहाँ पे लीवर दिया गया, इसका क्या काम रहता है? ये सर एडजस्टमेंट है बेल्ट को टाइट करने के लिए। कई बार जैसे बेल्टें 500-400 घंटा चलने के बाद में थोड़ी ढीली हो जाती है, तो इसको जो है किसान आराम से टाइट कर सकता है। सर मैं पीछे की तरफ देख रहा था, इसमें बड़े बड़े व्हील दिए गए, बड़ी पुल लगी हुई है, मैं और थ्रेश में नहीं देखी ऐसी। अच्छा। ऐसा क्या खास है सर इसमें? सर देखो, डबल व्हील का रीजन मैंने पहले भी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को मैंने बताया है कि जब हमने डबल फैन किया तो डबल फैन से सिंगल फैन के अंदर ट्रैक्टर में लोड कम पड़ता था, उसके बाद में हमने डबल फैन किया तो डबल फैन से क्या हुआ, ट्रैक्टर पे लोड ज़्यादा पड़ने लग गया, और उस ट्रैक्टर को लोड कम करने के लिए हमने पीछे एक व्हील और लगाया। यानी डबल फैन में 10 एचपी का लोड ट्रैक्टर पे ज़्यादा पड़ता था, और डबल व्हील उस 10 एचपी के लोड को कवर करने के लिए ये पीछे डबल व्हील लगाना पड़ा। इसलिए आगे का व्हील पहले था और डबल व्हील डबल फैन की वजह से हमें लगाना पड़ा, ताकि ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़े बिल्कुल, यानी नए के बराबर लोड पड़े ट्रैक्टर के ऊपर। सर मैं एनवीटी थ्रेशर में आपका देख रहा हूँ, मैं और भी थ्रेशर देखे हैं मार्केट में, जैसे कि इसकी टोकरी की बात करूँ, इसकी टोकरी मुझे बड़ी लग रही है। हाँ सर, ये किसानों की डिमांड थी भी, जब कई बार क्या होता है बारिशें ज़्यादा, इस बार जैसे इंद्र भगवान बहुत खुश हैं, आज भी बूंदाबांदी होगी मेरे को थोड़ी देर में लग रहा है ऐसे। और इसमें क्या है कि जब बारिशें ज़्यादा होती है तो मूँगफली की या अन्य की बेलें बहुत लंबी हो जाती है, पौधे बड़े हो जाते हैं अपने अनाज के, तो उसमें क्या होता है कि वो माल नीचे गिरता है। तो किसान भाइयों की डिमांड के ऊपर हमने टोकरी को इस बार 3-4 इंची बढ़ाया है, ताकि लंबे से लंबा जो भी वो अनाज पौधे डालें नीचे ना गिरे, आराम से अंदर चला जाए। सर मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा, मैं आपको शुरू से पूछा था, भी इंडिया में सभी किसान भाई एनवीटी कह रहे हैं जी, ऐसा क्या है खास इसमें? देखो सर, आप भी हमारे सामने खड़े हो, कुछ टाइम बाद आप भी एनवीटी कहने में मजबूर हो जाओगे। आप ये देखो, हमारा जो थ्रेसर है सहज के अंदर देखने में कितना बड़ा लग रहा है किसानों को। हमारा एक मेन चीज अंदर है, वो सामने आपको बताऊं, वो किसी को वैसे बताने वाली नहीं है, लेकिन किसान भाइयों को मालूम है ये पूरा। ये देखो हमारी जो यहाँ पीटीयू शाफ्ट से मेन शाफ्ट का जो सेंटर है, ये 55 इंची यानी 55 इंची है। ये मार्केट में किसी भी थ्रेसर का आपको नहीं मिलेगा। जब इसका सेंटर बड़ा हो गया तो ये आकार में भी, साइडों में भी बड़ा हो गया, ऊपर नीचे से भी बड़ा हो गया, तो थ्रेसर की जो इसका जो बनावट है ना, वो इस ढंग से की गई है, और ताकि जो थ्रेसर हर जगह पे सही चीज़, चाहे आरपीएम की बात हो, चाहे ट्रैक्टर की बात हो, या पंखों की बात हो, या व्हील या पुली की बात हो, इस ढंग से उसको पूरे सिस्टम के साथ लगाया गया सर। सर मैं जो किसान भाई हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो थ्रेसर को लेना चाहते हैं, तो कैसे और कहाँ से ले सकते हैं? सर राजस्थान में, हरियाणा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका, तेलंगाना, अन्य 6-7 जिलों में हम जहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ हर जिले के अंदर हमारे डीलर हैं। हमारे जो भी किसान भाई डीलर से थ्रेसर ले सकता है, अगर वहाँ डीलर नहीं है तो कंपनी के नंबर हमारे यूट्यूब चैनल एनवीटी थ्रेसर पर दिए गए हैं, वो नंबर हमें कॉल करके जो है, वो चाहे रात को 2 बजे भी फ़ोन करते हैं तो भी हम जो है कॉल उठाते हैं, उसकी थ्रेसर बुक करवा सकते हैं। सर एक सवाल किसानों का और रहता है सब्सिडी के बारे में जी, क्या भारत सरकार द्वारा हमारा सब्सिडी अप्रूव्ड है? डॉक्यूमेंट है ना, सब्सिडी अप्रूव्ड है ना, भारत सरकार द्वारा सब्सिडी अप्रूव्ड, अपनी मशीन टेस्टिंग रिपोर्ट है अपने पास, सब कुछ है, और तकरीबन 7 साल से किसान भाई सब्सिडी का फायदा ले रहे हैं। और सर हमारे जो किसान भाई देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर देखो, मैसेज तो किसान ही देंगे ना, ये एनवीटी का प्रोडक्ट कैसे है, हमने तो सेवा करनी है सर। अगर किसी हमारी सेवा में अगर किसी तरह की कमी आई, हम उस कमी को दूर करेंगे, और यही हमारा लक्ष्य रहा शुरू से। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी और बड़ी जानकारी दी। आपका बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आप भी एनवीटी का मल्टी क्रॉप थ्रेशर
ग्राउंड नट थ्रेशर लेना चाहते हैं तो एनवीटी के नंबर हैं जो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, आप इन नंबर पर संपर्क करके इस थ्रेशर को ले सकते हैं। दोस्तों ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए विश्वकर्मा दलब्बा यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।